घर में मौजूद सिर्फ तीन सामग्री का इस्तेमाल करना है। अगर आपको घुटने में दर्द रहता है, काफ़ी लंबे समय से कमर में दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, सोने के बाद भी थकावट नहीं जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में सांस फूलती हैं, काफ़ी दिक्कत आता है, यहाँ तक कि अगर आप डायबिटीज़ की मरीज हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से शरीर में नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से आपकी नसें ब्लॉक हो गई हैं, नसों में खिंचावट होती हैं, सुबह उठने पे स्टीफनेस लगता है, यानी आपकी एरियो में दर्द रहता है, बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है, हाथ पैर अकड़ते हैं, थायराइड की समस्या है, मोटापा है, गठिया की समस्या है, तो ये सारे चीज़ों के लिए आज जो सिर्फ तीन औषधि का हमें इस्तेमाल करना है, जो हमारे घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ों का वर्णन हमारे आयुर्वेद के किताब में भी किया गया है और ये तीनों औषधि इतनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि आपकी इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा दिलाएगा। अगर आपको वात की समस्या है तो उसके लिए भी इसको कैसे लेना है, गर्मी के मौसम में इस औषधि का हमें कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा लेनी है, इन सभी कुछ की जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये तीनों जो सामग्री हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि आपकी हर रोगों से आपको निजात दिलाएगा। सबसे पहला जो औषधि हमें इस्तेमाल करना है उसे हम कलौंजी बोलते हैं। कलौंजी को इंग्लिश में हम अनियन सीड भी बोलते हैं और इसे देशी भाषा में हम मंगरेला बोलते हैं। मंगरेला हर घर में मौजूद होता है और ये हर मर्ज की दवा है, ऐसा आयुर्वेद की किताब में लिखा हुआ है। ये मंगरेला का इस्तेमाल करना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही पावरफुल औषधि का ये काम करता है। इसे खाने से हर समस्या ठीक होती है। दोस्तों, अगर आपके हार्ट में समस्या है, हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, खून सही ढंग से प्रवाह नहीं होता है, खराब कोलेस्ट्रॉल से आप परेशान हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं रहता है, ये सभी चीज़ों को ये बहुत सही ढंग से ठीक करता है। साथ ही साथ कैंसर की समस्या आने वाले समय में होने नहीं देता है। नसों में अगर ब्लॉकेज हो गई हैं तो उसको भी ये बहुत अच्छी तरह से साफ़ करता है। तो इसकी कितनी मात्रा लेनी है, गर्मी के मौसम में किस प्रकार से इसे लेनी है, ये सारा कुछ आगे मैं बताऊंगी। दोस्तों, मात्रा लेना, कितना लेना है, बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा ले लें और सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करें तो इस औषधि के हमें बहुत सारे लाभ के बदले नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज को इंग्लिश में हम फ्लैक्स सीड बोलते हैं, लिनसीड बोलते हैं और इसे देशी भाषा में हम तीसी भी बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप कोलेस्ट्रॉल की समस्या से परेशान हैं, यहाँ तक कि अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, थायराइड हो गया है, अगर थायराइड शरीर में बढ़ जाए तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, जो शरीर का मोटापा है वो नहीं जाता है। ये दोनों चीज़ों को रेगुलेट करता है, ठीक करता है, यहाँ तक कि जिनको पाचन में समस्या होती है, यानी शरीर में खाना सही ढंग से पाचन नहीं होता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा काम करता है। पेट से रिलेटेड सारी समस्याओं का ये समाधान है। महिलाओं के लिए तो ये रामबाण माना जाता है। जिनको भी पीरियड लेट से आता है, वक्त पे नहीं आता है और वो पीरियड की समस्या से परेशान है, तो भी अलसी उनके लिए रामबाण साबित होता है। दोस्तों, इसका रोज़ ही सेवन करना है, बट कितनी मात्रा में करना है और किस तरह से करना है, गर्मी के मौसम में इसके लिए, या फिर आपके शरीर की प्रकृति क्या है उस हिसाब से इसे किस तरह से हम सेवन करेंगे जिससे हमें इससे लाभ मिले, इसका कोई नुकसान ना हो। ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी गर्म होती हैं, अलसी भी गर्म होती हैं, कलौंजी भी बहुत ही गर्म होती है। तो गर्मी के मौसम में इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए आगे मैं आपको रेसिपी बताने वाली हूँ। हम तीसरी जो सामग्री इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो है मेथी। मेथी को हम इंग्लिश में फेनुग्रीक सीड बोलते हैं और ये आम भाषा में मेथी दाना भी बोला जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते हैं हम अपने किचन में और हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होता है। मेथी की अगर बात की जाए तो मेथी भी स्वास्थ्यवर्धक है, इसके भी अनेकों फायदे हैं। हम सभी जानते हैं कि ये वात को कंट्रोल करता है। अगर हमारे शरीर में गैस बनता रहता है, शरीर में अगर गैस जाकर अटक जाती है जिससे हमारे जोड़ों में दर्द रहता है, कंधे में दर्द रहता है या फिर हर
शरीर में कहीं भी, हड्डियों में कहीं भी दर्द रहता है तो ये उसको ठीक करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है। यहाँ तक कि अगर खून में ब्लॉकेज आ गई हैं, वेरिकोज वेन की समस्या हो गई है, या फिर आपको ब्लॉकेज की वजह से हार्ट में भी समस्या है, ये उसको भी साफ करता है। दोस्तों, कब्ज वाले लोगों के लिए भी रामबन माना जाता है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, वो सारा कुछ आगे बताऊंगी। तो अभी इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल चलिए हम जान लेते हैं हमें कैसे करना है। सबसे पहले हम लेंगे अलसी। दोस्तों, अलसी हमें बिल्कुल एक चुटकी लेना है, एक चुटकी यानी एक ग्राम ही गर्मी में हमें इस्तेमाल करना है। दूसरी जो सामग्री है वो है मेथी। मेथी भी हमें बिल्कुल एक चुटकी यानी एक ग्राम ही इस्तेमाल करना है। और तीसरी जो सामग्री है कलौंजी, कलौंजी भी हमें एक ग्राम यानी एक चुटकी ही लेना है। तीनों को हम एक ग्लास पानी में डाल देंगे, यानी एक एक चुटकी तीनों चीज़ों को डाल देंगे एक एक ग्राम, और इसे ढककर रात भर हम छोड़ देंगे। सुबह उठने के बाद इसे किस प्रकार से सेवन करना है जिससे इससे हम पूरा लाभ उठा सकें, ये बता देती हूँ। सबसे पहले हमें सुबह इसको छान लेना है। छानने के बाद जो पानी निकलती है, इस पानी में सारा अर्क आ गया है, सारे गुण आ गए हैं इन तीनों औषधियों का। और ये पानी को हम कैसे पियेंगे, तो इस पानी को सबसे पहले आप एक बर्तन में डालकर हल्का गुनगुना कर लें और फिर इसका सेवन करें। धीरे धीरे बैठकर सिप सिप करके आपको पीना है। दोस्तों, जोरों में दर्द हो, गठिये का दर्द हो, या फिर किसी तरह के दर्द के समस्या से, नसें ब्लॉकेज की समस्या से निजात दिलाएगा। अब हम जान लेते हैं कि इन बीज का हमें कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, गर्मी का मौसम है तो इसे हमें किस तरह से, इसकी जो प्रकृति है यानी जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनके लिए कैसे इसका इस्तेमाल करना है वो जान लीजिए। तो इसको आप क्या करिए, हल्का कूंच लीजिए, किसी भी चीज़ से। कूंचने के बाद आप इसे छाछ के साथ ले सकते हैं, या फिर दूसरी जो तरीका है, आप इसे रोटी में मिलाकर भी खा सकते हैं। पूरे घर में सभी लोगों को खिलाइए, इसके लाभ ही हैं, इसका कोई नुकसान नहीं होंगे। दोस्तों, लगातार 15 दिन तक इसका आपको सेवन करना है, इन दोनों चीज़ों का। 15 दिन के बाद आप चाहें तो जैसे 7 दिन में, 1 सप्ताह में 2 या 3 दिन इसका सेवन कर सकते हैं। रोज़ इसका सेवन नहीं करना है क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है। प्रतिदिन आपको अगर वक्त मिले तो आप जो पित्त प्रकृति के हैं तो छाछ जरूर से पीजिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। प्रेग्नेंट जो महिला हैं यानी जो माँ बनने वाली हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। दोस्तों, आपके शरीर में जो भी रोग मैंने बताया सारे चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा इसका सेवन अगर आप मेरे बताए गए तरीके से करना शुरू करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर से करिएगा, कुछ भी पूछना है कमेंट ज़रूर से करिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, शुक्रिया।